सो ये गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अट्रैक्ट अनकंडीशनल डीप ट्रू लव। प्यार तो सबको चाहिए, है ना। रिलेशनशिप बहुत सबको चाहिए, वो भी वो वाली रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारी केयर हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, है ना। एंड वी ऑल डिजर्व दैट। ऐसा भी नहीं है कि दिस इज द फैंटेसी, ऐसा सच में नहीं होता या किसी को नहीं मिलता, सबको मिलना चाहिए एंड यू डिजर्व दैट। तो ऐसा प्यार, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करे, उसका सीक्रेट क्या है? तो इसका सीक्रेट सबसे पहला तो यही है और वो है सेल्फ लव। यस, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि प्यार को पाने के लिए भागते हैं, किसी के पीछे भागते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स को प्रे करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसका जो सल्यूशन है, जो चीज़ है, वो उनके अंदर ही है और वो खुद है। सो बी द सोर्स ऑफ लव। एंड जो फोर्स ऑफ लव है, जो द पावर बुक में मेंशन किया गया है, वो आपको सब कुछ ला के देगा, लेकिन यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप की केयर करेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को पहले वो प्यार देंगे, दोनों चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। पहली चीज़ देखो, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते होंगे तो कोई दूसरा आपसे क्यों प्यार करेगा, है ना। एंड दूसरी चीज़, अगर आप किसी को प्यार नहीं दे पाएंगे तो वो आपको कैसे प्यार देंगे। मतलब ये दोनों चीज़ मैटर कर रही है। तो खुद को भी प्यार दो एंड दूसरों को भी प्यार दो, एंड आपके अंदर वो प्यार होगा तो ही आप वो दूसरों को दे पाएंगे। सो फील योर हार्ट, फील योर इमोशंस विद फुल ऑफ लव। कोई भी नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर किसी भी पर्सन के लिए हेट्रेड है, किसी भी पर्सन के लिए ग्रजिस हैं, रिसेंटमेंट्स हैं, किसी भी तरह की नफरत या नेगेटिव इमोशन है, वो सबसे पहले आपको रिलीज करने पड़ेंगे। देखिए, स्पेस तो यही है ना, जैसे कि एक पानी का ग्लास है तो उसमें आप डर्टी वाटर पहले थोड़ा सा डाल दो, ठीक है। अब आप उसके अंदर कितना भी फिल्टर वाला पानी डालो, वो गंदा ही होगा ना, क्योंकि भाई ग्लास तो वही है ना। तो आपको पहले आपके अंदर, आपके मन से, आपके दिल से वो सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर फेंकना है, एंड अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा एक अनकंडीशनल प्यार को इसमें आपको रखना है, तो ही आप वो किसी को दे पाएंगे। अगर लव वाइब्रेशंस ट्राई करने हैं आपको, देन मेक श्योर कि आपके अंदर किसी भी पर्सन के लिए कोई भी नेगेटिव इमोशन ना हो, ठीक है। क्योंकि इट अफेक्ट्स कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ में, वो जितने भी वाइब्रेशंस आपको देने हैं उस एरिया में, वो आपके अंदर से निकलेंगे। तो मेक श्योर कि आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस ना हो। तो जस्ट माफ कर दीजिए किसी को भी, है ना। तो उसके लिए आप ओपन प्रेयर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इससे आप अपनी लाइफ को हील कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स को हील कर पाएंगे। किस भी पर्सन को भी आप माफ़ कर दो एंड जाने दो एंड जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो, ठीक है। कितने टाइम तक किसी दूसरों के लिए नफरत एंड ग्रजेस एंड वही सब लेके बैठे होंगे और वही सब कंप्लेंट्स करेंगे एंड याद करेंगे, क्या फ़ायदा है इसका, है ना। इससे अच्छा कि अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर बनाओ और आगे बढ़ो, है ना। खुश रहो, वो सब करो, जस्ट लेट देम गो एंड उनको अपनी लाइफ से निकाल दो। फिर क्यों अपने मन में उनके लिए वही सब चीज़ें फील करके आप अपनी दूसरे एरियाज भी अफेक्ट कर रहे हो, है ना। राइट पर्सन आपकी लाइफ में खुद आएगा, लेकिन जस्ट दूसरी सारी गलत चीज़ों को, गलत पर्सन को पहले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके। तो प्यार अगर पाना है तो अपनी लाइफ को पहले हील करो, अपने आप को हील करो, अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बाहर फेंकिए, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करो, एंड जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। दिस इज द ओनली सीक्रेट टू अट्रैक्ट लव, है ना। एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल बनो, है ना। स्किल्स को डेवलप करो अपने अंदर की, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, तो उस टैलेंट को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाओ, है ना। अपने लिए टाइम निकालो एंड जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर 100% दो। अगर जॉब कर रहे हो तो 100% आप अपने काम को दीजिए, ठीक है। देन यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप हर वक्त उदास रहते हो, बहुत ज़्यादा आप बोर्ड हो अपने काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर आप इतने खुश नहीं हैं, देन देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट कर पाए। सो इसीलिए जस्ट स्टार्ट टू लव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट करेंगे। ऐसे चुटकियों में एकदम से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन नहीं हो जाएंगे, लेकिन बाय प्रैक्टिस, डे बाय डे,
आप ज़्यादा पॉजिटिव बनते जाएंगे, हैप्पियर बनते जाएंगे, एंड आप जो वो मैग्नेट है ना वो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग बनता जाएगा कि आप मैग्नेटिक जो आपका मतलब वो जो ऑरा है ना, तो धीरे धीरे प्यार को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यही सीक्रेट है, इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट लव और एनी पर्सन, तो इन चीज़ों को पहले आप करना शुरू कर दो, एंड फिर देखना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जल्दी लव मिरेकल हो। ठीक है, तो बस यही था आज के इस वीडियो में, एंड आई होप को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय टू ऑल।